हेलो एवरी वन सो टुडे इट इज़ द सेशन ऑफ द वेल टेस्टिंग ओके इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द रेडियस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर सॉल्यूशन नाउ फ्रॉम टुडे द ओरिजिनल वेल का जो टेस्टिंग करना है ओके फ्रॉम टुडे जो ओरिजिनल वेल का जो टेस्ट करना है दैट पार्ट विल स्टार्ट ओके वेल का टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो वेल का टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक थोड़े मोटे प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना होगा ठीक है हमें क्या करना होगा वेल के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना होगा एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट विद प्रिंसिपल सुपर पोजिशन ओके वट डज what do you mean by principle of the superposition so these are the principle given by the various uh, research work and uh, various field work uh, they have provided the various principle to calculate the pressure drop when multiple well are there when the flow rate is fluctuating with the time and or i can say not fluctuating but uh, flow rate is variable with respect to time or i can say there is any ceiling fold okay what is there इज uh, if there is एन इजिंग fault then what आर दी इफेक्ट ऑन अवर वेल बोर प्रेशर और आई कैन से प्रेशर एट एनी आर एंड टी सो माई इंटरेस्ट इज ओके अब वेल टेस्टिंग में हमारा इंटरेस्ट क्या है पहले मैं आपको ब्रीफ ओवर जो देता हूँ कि हम टेस्टिंग में क्या करने वाले हैं देन यू आइडेंटिफाई कि वेल टेस्टिंग में हम क्या करने वाले हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन देल टेस्टिंग वी आर टू डील विद दी अनस्टडी स्टेट फ्लो हमें किस फ्लो के साथ डील करना है अनस्टडी स्टेट फ्लो और ट्रांजिएंट फ्लो ओके अनस्टडी स्टेट फ्लो और ट्रांजिएंट फ्लो सेकंड थिंग ओके इन वेल टेस्टिंग ओके इन वेल टेस्टिंग वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड पी वेल बोर प्रेशर ठीक है दैट मीन्स वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड आर इज इक्वल टू आर डब्ल्यू एंड एनी टाइम ठीक है एट आर डब्ल्यू एंड टी इज इक्वल टू एट गिवन टाइम पे कहाँ पे हम इंटरेस्ट करेंगे आर डब्ल्यू पे ही हमारा इंटरेस्ट रहेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओके थर्ड थिंग मैंने आपको बताया था कि मान लो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे थर्ड थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट हियर इज व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो मान लो आप क्यू जितने फ्लोरिट से क्यू जीत के कॉन्स्टेंट फ्लोरेट से प्रोड्यूस कर रहे हो उस टाइम पे यानी कि पी मैं इनिशियल बोल रहा हूँ ठीक है पी इनिशियल एट जीरो टाइम तो मैं इसको लिख रहा हूँ पी इनिशियल ठीक है पी इनिशियल अब आप इसको आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर डब्ल्यू पे मानो या आप इसको आर इज इक्वल टू यानी आर ई पे मानो या आर इज इक्वल टू आर पे मानो ठीक है कहीं पे भी आप ले लो ये इक्वल होगा ठीक है क्यों दैट मीन्स मैं इनिशियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि जब अपने प्रोड्यूस करना या कुछ करना ठीक है फ्लोरेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इट इज इक्वल टू जीनो यानी कि हमने कुछ किया ही नहीं है भाई अभी क्या कुछ भी हमने नहीं किया कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं किया तो उस टाइम पे एट दैट टाइम व्हाट इज द कंडीशन फॉर दी प्रेशर आपका प्रेशर क्या रहेगा पी रहेगा ठीक है इनिशियल प्रेशर अब आप यार इज इक्वल टू तो आर डब्ल्यू पे लिखो आर इज इक्वल टू आर इ लिखो तो आर इज इक्वल टू आर पे लिखो दिस इज दी ओनली एंड ओनली ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर अब मान लो मैंने क्या किया T इज इक्वल टू टी टाइम पे मैंने वेल well को प्रोड्यूस कर दिया थोड़ा बहुत क्या कर दिया वेल well को प्रोड्यूस कर दिया कितने टाइम के लिए T इज इक्वल टू टी जितने टाइम के लिए ठीक है T इज इक्वल टू टी जितने टाइम के लिए तो उस टाइम पे क्या होगा उस टाइम पे मुझे क्या इंटरेस्ट रहेगा R इज इक्वल टू आर डब्ल्यू की ही मैं बात करूँगा ठीक है क्यों क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट में ये क्लियर कर दिया एंड टी इज इक्वल टू एनी टाइम टी पे मेरा इंटरेस्ट क्या रहेगा आर डब्ल्यू इंटू टी फाइंड करने का ठीक है और ये फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए ये फाइंड करने के लिए हमें डिफिजिट इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए कौन सा वाला सॉल्यूशन तो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इन दी वेल टेस्टिंग ओके जब हम टेस्ट पढ़ेंगे ड्रो डाउन बिल्डअप इंजेक्टिव फॉलो अपट ये पाँच टेस्ट ठीक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी तो फोर्थ चीज़ अगर जो मुझे चाहिए दैट इज दी वॉट इज दैट मैं ऑलवेज ई आई ई आई फंक्शन बोलो ई जे फंक्शन बोलो ठीक है ई आई फंक्शन का यूज़ करूँगा ठीक है ये वाला सोल्यूशन ही मैं यूज़ करूँगा क्यों दैट इज दंडीशनि कंडीशन पर डिपेंड करता है ठीक है और हम यही वाला सोल्यूशन मोस्टली प्रीफेयर करते हैं और इसी सॉल्यूशन में मैं एक्स को मान लूंगा पॉइंट जीरो वन और मेरा सोल्यूशन हो जाएगा लॉग अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन ओके लॉग का अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन, सो लॉग अप्रोक्सीमेशन solution आई यूज इट ओके आई यूज लॉग अप्रोक्सीमेशन solution, सो okay, so, ये फोर important चीज थी ठीक है दिस आर फोर इम्पोर्टेंट थिंग्स अब ये कैसे यूज करना है दैट आई विल यू इन दी वेल टेस्टिंग ओके दैट आई विल यू इन दी वेल टेस्टिंग सो फॉर टूडे ओके फॉर टूडे टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द सुपर पोजिशन वॉट यू नीड यू आर एबल टू फाइंड एट एट एनी आर एंड एट एनी टाइम टी यू आर एबल टू फाइंड दी प्रेशर ओके एट एनी आर एंड एट एनी गिवन टाइम टी यू आर एबल टू फाइंड दी प्रेशर तो कुछ इस तरह से होगा ओके okay, क्या होता था प्लस सेवेंटी पॉइंट सिक्स प्लस सेवेंटी पॉइंट सिक्स इंटू कैपिट कैपिटल क्यू बी नोट ठीक है इंटू म्यू डिवाइडेड बाय के एच इंटू ई जे माइनस एक्स सो ये वाला फॉर्मूला ये वाला सॉल्यूशन वी यूज टू फाइंड एट एनी आर एंड एनी टी ओके वेयर एक्स इज दी नाइन फोर एट फाइव सी टी म्यू आर डब्ल्यू स्क्वायर ठीक है आ ओ सॉरी आई आई हैव रिटर्न दी आर ईयर दैट मींस ईयर आर डिवाइडेड बाय के टी ओके एंड वन मोर थिंग इफ एक्स लेस देन पॉइंट जीरो वन इफ़ एक्स इज लेस देन पॉइंट जीरो यू कैन अप्लाई सेम सॉल्यूशन एट पी आर डब्ल्यू सॉरी पी एट एनी आर एंड एट एनी टी सेम इक्वेशन विल चेंज टू पी आई इन टू पे देखना यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होता है वन सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स क्यू म्यू बी डिवाइडेड बाई के एच इंटू लॉग के टी डिवाइडेड बाय फाइ सी टी म्यू आर स्क्वायर माइनस थ्री पॉइंट टू थ्री ओके यहाँ पे माइनस पॉइंट थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट एट सेवन एस ओके सो दिस यू नो ठीक है अच्छा नहीं लिख पाया तो भी चल जाएगा दिस टू फॉर्मूला वी विल यूज इन दी प्रिंसिपल ऑफ दी टू अंडरस्टैंड दी प्रिंसिपल ऑफ दी सुपरपोजिशन विद ये दो सॉल्यूशन ही अब हमारे काम के हैं। बाकी सारे सॉल्यूशन आई हैव टोल्ड यू यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन ईच यू हैव अ बुक यू हैव टू बुक आई हैव सजेस्टेड वन इज द तारे कहमद रिजरवायर इंजीनियरिंग सेकंड इज द तारे कहमद एडवांस रिजरवायर इंजीनियरिंग सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ द सुपर सो प्रिंसिपल ऑफ द सुपर में हम तीन तीन प्रिंसिपल देखेंगे और दीज आर वेरी 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 इजी प्रिंसिपल ओके आपको बस अब ये दो फॉर्मूला ही आपको याद रखने हैं वी अंडरस्टैंड एवरी टेस्ट ईच टेस्ट ऑन बेस्ड ऑन दिस फार्म्यूला यू हैव टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली एंड यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट नथिंग एल्स सो बी प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे ठीक okay, है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल हम अब क्या देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ दी सुपर पोजिशन फर्स्ट प्रिंसिपल इज मल्टीपल वेल पोजिशन ओके वेल प्रेजेंट नाम ही सजेस्ट कर रहा है देखो मल्टीपल वेल प्रेजेंट है ओके okay. तो कैसे ड्रॉ करेंगे मान लो आप आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो और आपको तीन वेल well दिख रहे हैं मान लो मेरी पेरी फेरी है मैं जहाँ पे अपना एक रिजर्व वायर है वहां पे मैंने तीन वेल को ड्रिल किया हुआ है।, एक जैसे चल रहा है भाई देखो ये वाला एक वेल है ये मान लो वेल वन है ये वाला मान लो वेल नंबर टू है ओके और मान लो ये वाला वेल थ्री है इज इट ओके यस ओके तो जब मल्टीपल वेल प्रेजेंट हो मान लो ओनली एंड ओनली ये वाला वेल प्रेजेंट होता ये वाला और ये वाला वेल प्रेजेंट नहीं होते तो आई कैन सिंपली यूज दिस फार्मूला ओके इफ एक्स लेस देन पॉइंट जीरो वन है तो आई सिंपली यूज़ दिस फार्म्यूला और अगर एक्स ये वाली कंडीशन नहीं है तो आई सिंपली आई यूज ई आई फंक्शन ओके ई जे फंक्शन और ए आई फंक्शन टू सॉल्व टू कैलकुलेट द प्रेशर एट एनी आर एंड एट एनी टाइम बट अब क्या हुआ जब एक से ज़्यादा वेल प्रेजेंट हो मान लो कि ये वाला वेल प्रेजेंट है ये वाला वेल बी प्रेजेंट है ठीक है अब देखो इसमें से आपको थियोरटिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है एज वेल एज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी चाहे तो वो पूछ सकते हैं ठीक है दो वेल देके पूछेंगे तीन तो ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन मुझे ये बोल रहा है ठीक है ये वाला प्रिंसिपल मल्टीपल वेल प्रेजेंट हो तब आप एक कंडीशन सोचो कि मान लो इस तरह से एक हमारा हाउस है ठीक है एक तरह से एक हमारा हाउस है जिसमें यहाँ पे चलो हाउस नहीं लेते आपको सिंपली मैं बोल दूँ कैसे बोलूँ आपको इसमें प्रिंसिपल में कुछ उतना हार्ड नहीं है मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ खाम खाप को क्यों टाइम वेस्ट करूँ अलग एग्जांपल देके तो ये वाला प्रिंसिपल बोल रहा है कि ये मेरी पैरी फेरी है ठीक है इस तरह से मेरा एरिया है जिसमें मेरे तीन वेल well है तो किसी भी वेल well का ठीक है मैं यहाँ पे पी एट आर टी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ठीक है एट एनी आर एंड एनी टी ओके ए टेनि आर एंड ए ट टी अगर मैं प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये वाला इस पे और ये वाला भी इस पे ठीक है ये दोनों वेल आइधर प्रोड्यूस्ड हो रहे होगे ठीक है आइधर क्या हो रहे होगे प्रोड्यूस्ड हो रहे होगे और इंजेक्ट हो रहे होंगे कुछ भी कंडीशन है ठीक है आइधर प्रोड्यूस्ड और इंजेक्ट जो भी है जो भी हो रहा है ठीक है जो भी हो रहा है ठीक है अब ये पूरा का पूरा एक पैरी में है और ये तीनों के तीनों वेल एक ही रिजर्वायर में यानी कि इंटरकनेक्टेड है दैट मीन्स ये वाले वेल पे ये वाले वेल पे जो प्रेशर की इफेक्ट है इधर ये भी प्रोड्यूस्ड है या फिर इंजेक्शन हो रहा है ये प्रोड्यूस्ड हो, हो रहा है या इंजेक्ट हो रहा है वॉट एवर द कंडीशन मे बी ओके वॉट एवर द कंडीशन इज देयर आइदर प्रोड्यूस्ड हो रहा है और आइदर इंजेक्ट हो रहा है ठीक है तो यहाँ का प्रेशर है दैट इज इफेक्टेड बाई दिस अनदर टू वेल सिंपली आपको बोलूँ कि यहाँ के वेल well का जो प्रेशर है वो वेल well टू से भी इफेक्ट हो रहा है वेल well थ्री की एक्टिविटी से भी इफेक्ट हो रहा है तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि आप किसी भी वेल well पे ठीक है मैं इंटरेस्ट करता हूँ मान लो ये वाला आर वन डिस्टेंस पे है ये वेल well टू है वो आर वन डिस्टेंस पे है ये वाला वेल well है वो टू डिस्टेंस पे है और मैं वेल वन के आर डब्ल्यू पे प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहता हूँ ठीक है आर डब्ल्यू पे प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट कंडीशन में ले रहा हूँ इफ वेल टू एंड थ्री नॉट प्रेजेंट ओके ये दो प्रेजेंट ना होते तो मैं वेल वन के गिवन रेडियस आर डब्ल्यू पे एनी टाइम टी पे ठीक है प्रेशर ड्रॉप फाइंड कर सकता था यस किस तरह से एट एनी आर डब्ल्यू पर ही फाइन करना है तो आर डब्ल्यू एंड टी और यहाँ पे मैं वेल का नंबर लिख रहा हूँ तो वो कैसे फाइंड करते मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स लेस देन पॉइंट जीरो वन है मैं मान ले रहा हूँ ठीक है अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो फाइव सी टी म्यू आर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी इन टू नाइन फोर एट ठीक है इस तरह से ही होगा ओके अब देखो मैं क्यों ऐसा मान रहा हूँ एक्स लेस देन है क्योंकि देखो तो एक्स की वैल्यू ठीक है एक्स की वैल्यू आर के प्रपोजनल में आर स्क्वायर के प्रपोजनल में किसके आर स्क्वायर के दैट मीन्स आर वेरी हाई होगा तो एक्स की वैल्यू पॉइंट जीरो वन से बढ़ने के चांस हाई है ठीक है एक्स की वैल्यू कब ग्रेटर देन जीरो पॉइंट जीरो वन होगी आर जब ज़्यादा होगा बट यहाँ पे तो मैं आर डब्ल्यू की ही बात कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं मान के चल रहा हूँ ठीक है अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है देन यू हैव टू मस्ट यूज़ दी ई आई माइनस एक्स फॉर्मूला ठीक है बट मैं मान के चल रहा हूँ ये वाली कंडीशन हो रही है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आउट ऑफ नाइनटी नाइन परसेंट आउट ऑफ नाइन्टी नाइन परसेंट ये वाली कंडीशन फील होगी तो अगर वेल टू एंड वेल थ्री प्रेजेंट नहीं होते ठीक है अगर वेल टू एंड वेल थ्री प्रेजेंट नहीं होते तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कैसे फाइन करते इनिशियल प्रेशर में से क्या कर देते माइनस वन सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स अब एक चीज ध्यान रखो एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ठीक है ओके चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्यू प्लस क्यू लिखता हूँ ठीक है ओके इंटू बी नॉट इंटू म्यू डिवाइडेड बाई के टी Into log you लॉग यू नो हियर is the इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि नाइन फोर्टी हूँ चलो ठीक है मुझे पूरा ना लिखना पड़े आपको पता है ये वाला फॉर्मूला है ठीक है ये वाला टर्म लिखा हुआ है मैं उसको सिंपली लिख रहा हूँ आप समझ गए होगे आई थिंक नहीं समझे हो तो अपना बैग जाके आपको फिर से दोबारा सारे वीडियो मैंने नाइन फोर्टी एट एक्स लिखा है ठीक है एक्स के फॉर्म में लिखा है केवल यहाँ पे एक्स क्या है फाइव सिटी म्यू के टी डि फाइव सिटी नाइन फोर्टी एट ओके बॉटम पे आएगा ऐसे नहीं होगा रुको नाइन फोर्टी एट डिवाइडेड बाई एक्स होगा ठीक है इस तरह से नाइन फोर्टी एट डिवाइडेड बाई एक्स ठीक है सिंपली ये वाला टर्म लिखा है के टी अपन फाइव सीटी म्यू आर स्क्वायर ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो फाइव सीटी म्यू आर डब्ल्यू का स्क्वायर तो मैं इस तरह से फाइंड करता बट जब भी प्रिंसिपल ने क्या बोला कि इफ़ वेल टू थ्री ठीक है इन्फिनेटिव जितने हैं जितने वेल प्रेजेंट है क्या है प्रेजेंट है जितने भी वेल प्रेजेंट है दैट मींस पी एट एनी आर डब्ल्यू एन टी एट वन अगर मुझे फाइंड करना है ठीक है मुझे टोटल प्रेशर ड्रॉप एट प्रेशर वन फाइंड करना है ठीक है टोटल प्रेशर ड्रॉप कितना होगा टोटल प्रेशर ड्रॉप दैट मीन्स पी एट आर डब्ल्यू टी और आई कैन से पी आई माइनस ठीक है ये वाला टर्म मैं कैसे ले रहा हूँ देखो ये वाला टर्म मैं इस तरह से ही लिखूंगा इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूँ ठीक है आप किसी भी तरह से लिख सकते हो आई डजेंट केयर बट आप इस तरह से लिखो अच्छा रहेगा ठीक है इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूँ दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ दी ये मैं क्या लिख रहा हूँ इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूँ ठीक है देखो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको ये मजाक लग रहा है बट इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है देखो मैं यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूँ ठीक है आप चाहो तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हो बट जो भी लिखो राइट हैंड साइड लिख रहे हो वही सब लेफ्ट हैंड साइड लिखना है दैट मीन्स ये वेल वन की वजह से वेल वन पे जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है ये वाली वैल्यू क्या है टोटल प्रेशर ड्रॉप नॉट एट दी आर डब्ल्यू आर टी ठीक है ये टोटल प्रेशर ड्रॉप है टोटल प्रेशर ड्रॉप टोटल डेल पी एट वेल वन इज इक्वल टू टोटल डेल पी एट वेल वन इज इक्वल टू डेल पी ओके डेल पी इन वन ठीक है आर डब्ल्यू एंड टाइम टी पे ठीक है आर डब्ल्यू एंड टाइम टी पे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है आर डब्ल्यू पे वेल वन का प्रेशर मेजर करना प्लस सेकंड वेल की वजह से कुछ इफेक्ट आएगी एट आर वन एंड टी आर वन क्या था डिस्टेंस बिटवीन वेल वन एंड वेल टू आर वन क्या था वेल वन एंड वेल टू का डिस्टेंस तो ये वेल well क्या कर रहा है यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है दैट आई हैव टू एड हीयर ओके एंड लास्ट वन इज दी डेल पी थ्री यानी कि थर्ड वेल का फर्स्ट पे इफेक्ट आ रहा होगा ठीक है फर्स्ट पे इफेक्ट आ रहा होगा तो so दैट आर टू इंटू टी क्लियर हुआ ये इस तरह से हम प्रेशर ड्रॉप फाइंड करेंगे जब मोर देन मल्टीपल वेल हमें को प्रेजेंट हो ठीक है अब देखो हर एक के लिए इसके लिए क्या लिख रहे हो आप इसके लिए लिखना है पी आई माइनस पी डब्ल्यू लिखना है ठीक है इसके लिए क्या लिखना है पी आई माइनस पी एट आर वन टी लिखना है ठीक है आर वन इंटू टी टाइम भी तो यहाँ पे होगा ठीक है टे है? और इसके लिए क्या लिखना है पी आई माइनस पी आई कैन से आर इंटू आर टू इंटू टी होगा ऐसा यस ऐसा कुछ होगा ठीक है तो ये तीन चीजें अब आप ये कैसे लिख सकते हो देखो यहाँ पे आपको पहले एक्स निकालना है एक्स इज इक्वल टू नाइन फोर एट फाइव सी टी म्यू आर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी यहाँ पे भी आपको एक्स निकालना है नाइन फोर्टी एट फाइ, सी टी म्यू आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी ये एक्स टू है ये एक्स वन है ओके okay. और यहाँ पे भी आपको एक्स थ्री निकालना है नाइन फोर्टी एट फाइ सी टी म्यू आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी ओके और इसके बाद आपकी ये वाली वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंट जीरो वन से लेस आएगी तो यहाँ पर आपको लॉन्ग अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है ठीक है आपको लॉन्ग अप्रोक्सीमेट यूज करना है यहाँ पे आपकी वैल्यू ये दोनों केस में क्या आएगी मोस्ट ऑफ़ द टाइम पॉइंट जीरो वन आएगी तो उस टाइम पे आपको ई आई फंक्सन आपको दे के रखेगा वैल्यू ठीक है आपको वैल्यू दे के रखेगा तो आपको वो वाली चीज़ यूज़ करनी है ठीक है तो इस तरह से वेल वन पे ठीक है क्या बोला वेल वन पे एट आर डब्ल्यू एन टी पे इफेक्ट आ रहा था अगर ये वाले दो वेल नहीं होते ठीक है अगर ये वाले दो वेल नहीं होते तो कितना आता था इतना हम कैलकुलेट करते थे ठीक है ये दोनों इक्वल हो जाते बट ये दो वेल well प्रेजेंट है तो दैट आई हैव टू ऐड दी इफेक्ट और डिस्टेंस कौन सा लेना है वेल well, वन से डिस्टेंस लेना है ठीक है आई होप यू हैव टू क्लियर आर वन क्या है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये क्या है ये दोनों के ठीक है तो वेल थ्री कहाँ पे वेल well, वन पे इफेक्ट लगा रहा होगा इस तरह से ये वाला भी अब मान लो सेम आप इस तरह से अब देखो मैं फॉर्मूला रिवाइड नहीं कर रहा हूँ ठीक है आपको लिखना है ठीक है आपकी बुक में लिखा होना चाहिए आपकी बुक में देखो इसको चेंज करना है किस तरह से चेंज करना है देखो ये वाला टर्म ये वाला पूरा टर्म ये वाला पूरा टर्म इस साइड ले लो इसको पीछे जाने दो ठीक है इतना आपको चेंज करके यहाँ पे लिख देना है ठीक है यहाँ पे आपको लिखना है तो ये वाला आएगा प्लस वन सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स करके आएगा और ये वाले में देखना माइनस सेवनटी पॉइंट सिक्स आएगा ठीक है क्या आएगा माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा अब ये माइनस काउंट करना है ठीक है ऐसा मत बोलना कि भाई माइनस क्यों काउंट करना है भाई माइनस तो काउंट करना है ठीक है दूसरी चीज और एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे प्लस क्यों लिया वाई प्लस क्यों इसीलिए लिया बिकॉज प्लस क्यू ठीक है मैं आपको इसके लिए नॉमन क्लचर दे रहा हूँ कि प्लस क्यू जब भी, भी क्या हो रहा हो प्रोड्यूस्ड हो रहा हो ठीक है अगर प्रोड्यूस हो रहा है वेल क्यू जितने फ्लोरेड से तो आई विल यूज़ प्लस क्यू अगर वेल इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्टेड है दैट टाइम आई विल यूज़ माइनस क्यू ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है वरना यहाँ पे भी गलती हो जाएगा ठीक है दैट मीन्स मान लो मैं बोल रहा हूँ चलो एक अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको यही वाला एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि यही वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं रुको ये अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से सॉरी कुछ अब तक की कहानी इस तरह से है ये वाला वेल वन है ये वाला वेल टू है ये वाला वेल थ्री है अब ये वाला डिस्टेंस आर वन है और ये वाला आर टू है ऐसा कुछ बोला यस yes, ऐसा कुछ बोला और आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड वेल वन पे प्रेशर आर डब्ल्यू एंड टाइम टी पे ओके आर डब्ल्यू एंड एनी टाइम टी पे तो हमने क्या बोला कि दोनों वेल प्रेजेंट है तो इस तरह से कुछ प्रिंसिपल यूज करना रहेगा ठीक है इस तरह से अपना प्रिंसिपल यूज़ करना आपको पड़ेगा ठीक है ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करना है आपको सुपर पोजिशन वाला और उस केस में मैंने आपको ये बोला कि आप किस तरह से लिखोगे इस तरह से आप आई फंक्शन यूज करोगे या फिर लॉग अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे ठीक है जो जिस प्रकार से कंडीशन आ रही है उस प्रकार से आप यूज करोगे दूसरी चीज अब मान लो मैं बोल रहा हूँ ये वाला वेल well है वेल well टू है वो प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है वेल well वन है वो भी क्या हो रहा है प्रोड्यूसड हो रहा है ठीक है और वेल well थ्री है वो क्या हो रहा है इंजेक्ट करवा रहे है इंजेक्टेड है तो इस केस में आपको क्या करना है अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो सबका फ्लोरेट क्यू ही होगा ऐसा जरूरी है नहीं है ठीक है सबका फ्लोरेट अलग हो सकता है बट मैं मान के चल रहा हूँ सारे फ्लोरेट क्यू है ठीक है यहाँ पे क्यू वन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यू टू नहीं लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्यू थ्री ले रहा हूँ ठीक है चलो ऐसा ही लेते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री तो इस केस में अगर आप प्रोड्यूस को पॉजिटिव ले रहे हो और प्रोड्यूस को ही पॉजिटिव लेना है वाई वाई प्रोड्यूस को पॉजिटिव लेना है आप देखो ये इनिशियल प्रेशर था मान लो ये थाउजेंड था ओके और अब आप मान लो इस तरह से आपका वेल well है यहाँ पे आप आप यहाँ से कुछ फ्लूड प्रोड्यूस कर रहे हो दैट मीन्स यहाँ से क्या कर रहे हो आप भीड़ कम कर रहे हो क्या कर रहे हो आप भीड़ को कम कर रहे हो तो यहाँ का प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज होना चाहिए यस yes, तो दैट मीन्स ये इनिशियल प्रेशर क्या थाउजेंड था ठीक है इनिशियल प्रेशर क्या थाउजेंड था उसके बाद आपने कुछ प्रोड्यूस किया आपने क्या किया प्रोड्यूस किया तो पी आर एफ वन की वैल्यू पी आई से क्या नहीं चाहिए? आनी चाहिए लेस आनी चाहिए ऑब्वियसली बात है लेस आनी चाहिए और लेस लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्यों क्या रखना है पॉजिटिव रखना है तो ये आपको याद रखना है ठीक है आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में पी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट मस्ट भी प्लस क्यू एंड अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो तो दैट मस्ट भी माइनस क्यू तो अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दे ठीक है यही वाला मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ कि वेल टू ठीक है प्रोड्यूस हो रहा है वेल थ्री इंजेक्टेड है क्यू थ्री जितने रेट से और वेल well वन है वो क्या हो रहा है हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके लिए मुझे वेल well वन पे मुझे कहाँ पे वेल well वन पे आर डब्ल्यू आर टी पे क्या फाइंड करना है रेडियस और गिवन रेडियस और टाइम पे क्या फाइंड करना है प्रेशर फाइंड करना है आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो ठीक है दैट इज़ योर इंटरेस्ट आपको किस पे फाइंड करना है ठीक है अब वो मैं थोड़ी ना बताने बैठूंगा आपको कि आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते आप ऑब्वियसली वेल टू पे भी आर डब्ल्यू और टी पे भी वेल well टू के लिए भी फाइंड कर सकते हो उस केस में क्या होगा कुछ नहीं मैं तो क्या करूँगा मैं तो इसको टू बोला था मैं इसको वन बोल दूंगा और इसको टू बोल दूंगा भाई जाओ कहानी सेम ही है कोई अलग नहीं है ठीक है बट आपको ध्यान रखना है ठीक है आपको कौन से वेल well पे फाइंड करना है ठीक है प्रॉपर्टी उस उस हिसाब से आपको रखनी है ठीक है प्रॉपर्टी क्या करनी है उस हिसाब से रखनी है ठीक है तो इस केस के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस क्यू थ्री हो जाएगा और ये सिस्टम के लिए मैं आपको सारे फॉर्मूला एक बार लिख के बताता हूं तभी आपको समझ में आएगा तो टोटल प्रेशर ड्रॉप एट वेल वन टोटल प्रेशर ड्रॉप एट वेल वन क्या होगा टोटल प्रेशर ड्रॉप ये वाला क्या वो इंडिकेट कर रहा है टोटल प्रेशर ड्रॉप एट वेल वन इज इक्वल टू डेल पी वन डेल पी वन ड्यू टू आर डब्ल्यू एन गिवन टाइम टी प्लस डेल पी टू डेल पी टू एट आर एंड गिवन टाइम टी आर वन एंड गिवन टाइम टी ठीक है आर वन जितने डिस्टेंस पे ये वाले बीच का है, वन से टू का डिस्टेंस लेना है आर वन प्लस डेल पी थ्री आर टू इंटू टी ओके सो मैंने क्या जूम किया ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये इंजेक्ट हो रहा है तो इस केस के लिए ठीक है मैं मान लेता हूँ इसके लिए लेस देन पॉइंट जीरो वन है इसके लिए ग्रेटर देन पॉइंट जीरो वन है और इसके लिए भी ग्रेटर देन पॉइंट जीरो वन है तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा इस केस के लिए मुझे डेल पी वन ठीक है डेल पी वन एट आर डब्ल्यू टी क्या लिख क्या लिखूँगा मैं वन सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स ठीक है यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले भी पॉजिटिव आते हैं आप चाहो तो देख लो पॉजिटिव क्यू वन बी वन म्यू वन क्योंकि ये सारे वेल वन के डेटा है डिवाइडेड बाई के वन टी वन यानी कि टी टी तो टी ही रहेगा ठीक है क्योंकि सारे टाइम इक्वली लेने हैं इन दी लॉग के वन टी फाइव सी टी म्यू आर डब्ल्यू स्क्वेयर सारे डेटा वन के लिए माइनस थ्री पॉइंट टू थ्री प्लस पॉइंट एट सेवन एस ओके ये हो गया वेल वन का वेल टू के लिए क्या लूँगा वेल टू के लिए आर वन और टी पे ठीक है आर वन और टी पे मुझे प्रेशर ड्रॉप लिखना है और इसके लिए ई ए फंक्शन तो ये फॉर्मूले में जो माइनस आ रहा है वो वाला है ठीक है और यहाँ पे प्लस Q2 B2 बी डिवाइडेड बाय के टू इन द ब्रैकेट log के टी डिडेड बाई फाइव सी टी म्यू आर वन का स्क्वायर ठीक है क्योंकि R1 डिस्टेंस पे फाइंड करना है माइनस टू थ्री प्लस पॉइंट एट सेवन एस ये हो गया सॉरी कहाँ पे यहाँ पे लॉक वाला नहीं लेना है ओके सॉरी 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 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज ऑफ दी माइनस एक्स टू जहाँ पे एक्स टू इज इक्वल टू नाइन फोर एट फाइव सी टी म्यू आर वन स्क्वायर ठीक है आर वन डिवाइडेड बाई के टी दिस इज द टू टू पे डेल पी थ्री ये वाला इंपॉर्टेंट है ठीक है आर टू और गिवन टाइम टैन टी पे ये फॉर्मूले का माइनस है फॉर्मूले में जो माइनस आता है दैट इज द माइनस और हम क्या कर रहे हैं इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं ठीक है इसमें से तो प्रोड्यूस कर रहे थे तो प्लस था तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यों थ्री बस इतना आपको ज्ञात होना चाहिए ठीक है थ्री पे ओके सो फाइनल टोटल प्रेशर ड्रॉप इज दी सम ऑफ दी ये वन बोल रहा हूँ ये टू बोल रहा हूँ और ये थ्री बोल रहा हूँ देन दी टोटल प्रेशर ड्रॉप इज दी सम ऑफ दी ऑल तो ये मुझे क्या देगा वेल well, वन पे आर डब्ल्यू एंड टी पे प्रेशर ड्रॉप देगा तो ये थी अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक है ये था अपना फर्स्ट प्रिंसिपल सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना ठीक है ये वाला पेज नंबर है कितने है फर्स्ट चैप्टर का फोर्टी वन पेज नंबर है ठीक है तो आप ये वाला क्वेश्चन करके देखो आपसे हो जाएगा ठीक है आपको सारे तीनों के तीनों फ्लोरेट दे दिए हैं और आपको क्या बोला है सारे प्रोड्यूस्ड है तो सारे क्या लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे ठीक है सारे क्या लेंगे पॉजिटिव सारे डेटा गिवन है एंड आपको सॉल्यूशन भी दिया है आपको ई फंक्शन की वैल्यू देखो ये इस तरह से ई फंक्शन की वैल्यू आपको ये वाली ले लेनी है ठीक है आपको ये वाली वैल्यू ले लेनी है आपको प्रैक्टिस के लिए ही तो करना है भाई ओके तो और लास्ट में तीनों का सम हो जाएगा तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ दी जबकि मल्टीवेल प्रेजेंट है ठीक है सेकंड प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं सेकंड प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल इज दी मेथड ऑफ दी जब रिजर्वायर बाउंड्री प्रेजेंट है ओके okay? रिजर्वायर बाउंड्री इफेक्ट और आई कैन से ये वाला ही है अपना इमेज वेल ओके okay, ये सेकंड प्रिंसिपल है ठीक है फर्स्ट हमने देखा जब एक से ज्यादा वेल हो तो क्या करना है ठीक है जब एक से ज्यादा वेल हो तो क्या करना है दैट वी हैव सीन अब ये वाला सेकंड केस है जिसमें क्या करना है वो देखते हैं मान लो अगर बाउंड्री प्रेजेंट है जैसे कि सीलिंग फोल्ट ओके okay. सीलिंग फोल्ट कौन सी वाला सीलिंग फोल्ट ओके वेट फॉर अ वाइल ओनली वन मिनट यू कैन वेट चलो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं बाउंड्री प्रेजेंट है देखो ये अपना वेल well है ठीक है ये अपना वेल well है कुछ इस तरह से मैंने आर डब्ल्यू जितना वेल well है ये आर डब्ल्यू हो गई ठीक है ये वाली आर डब्ल्यू है और इसमें क्या प्रेजेंट है यहाँ पे मान लो एक बाउंड्री है ठीक है ये क्या आ चुकी अपनी बाउंड्री है ये क्या है अपनी बाउंड्री बाउंड्री के सेंस में सीलिंग फोल्ट ठीक है यानी कि अब ये वाला क्या हो जाएगा सीलिंग फोल्ट है या फिर आप बोलो बाउंड्री है सो यू नो यू नो वन थिंग बाउंड्री कंडीशन आई हैव टोल्ड यू ओके आई हैव टोल्ड यू द बाउंड्री कंडीशन फॉर दी आई कैन से डिफ्यूजिटिविटी इक्वेशन ओके डिफ्यूजिटी इक्वेशन में हमने बाउंड्री कंडीशन डिस्कस किया है या नहीं डिस्कस किया है आई डोंट नो एग्जैक्टली बट मैं आपको बोल दूँ कि पहले क्या होता है पहले अनस्टडी स्टेट फ्लो होता है और जैसे ही बाउंड्री अचीव हो जाए ठीक है जैसे ही ये वाली बाउंड्री अचीव हो जाए ठीक है जैसे ही क्या हो जाए बाउंड्री अचीव हो जाए ठीक है तो मान लो हमारा फ्लो टाइप कहाँ पे चेंज हो जाता है श्यूडो स्टडी स्टेट में श्यूडो स्टडी स्टेट पे ओके कहाँ पे चेंज होता है श्यूडो स्टडी स्टेट में हमारा फ्लो चेंज हो जाता है दैट मीन्स जब भी शूडो स्टडी स्टेट के लिए आप अगर बाउंड्री कंडीशन लिखोगे ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना बाउंड्री कंडीशन ऑलवेज आपको याद होनी चाहिए उस पर क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है तो शूडो स्टडी स्टेट अचीव होता है तब क्या होता है तब आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर एट बाउंड्री ओके प्रेशर एट बाउंड्री दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आर ही मान लो ये वाला रिजर्व की बाउंड्री होता ठीक है रिजर्वायर की बाउंड्री ठीक है शिडो स्टडी सेट में किसकी बाउंड्री की बात होती है स्टडी बाउंड्री कंडीशन है ये आर इज इक्वल टू आर पे क्या हो जाएगा प्रेशर रेडियस के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी रेडियस पे ठीक है आर इज इक्वल टू आर के बाद क्या हो जाएगा प्रेशर रेडियस के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा दैट मीन्स ये वाला प्रेशर आर के साथ क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है आर के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाले कंडीशन पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है ठीक है आई हैव आई नो आई डोंट नो क्वेश्चन बट आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे कि मान लो P इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर स्क्वेर ओके मान लो इस तरह से है ठीक है प्रेशर रेडियस के साथ कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है ठीक है आपको दे देंगे कि प्रेशर रेडियस के साथ इस तरह से चेंज हो रहा है ये टेन ही आर ठीक है या टेन ही आर प्रेशर रेडियस के साथ कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है उसके बाद वो आपको क्या बोलेंगे उसके बाद वो आपको एक कंडीशन देंगे कि आर डब्ल्यू इज इक्वल टू मान लो पॉइंट पाँच पे प्रेशर है अपना फिफ्टी पी फाइव हंड्रेड पी एस आई ओके कुछ इस तरह से आपको बोल देंगे ठीक है ये मैंने खुद का डेटा लिया है माइट बी रॉन्ग बट अभी के लिए आप समझने के लिए अंडरस्टैंड कर लो आपको ये वाला दिया है और आपको बोल देंगे कि शुडो कंडीशन है ठीक है शुडो स्टडी स्टेट है क्या है शिडो स्टडी स्टेट है क्या है शिडो स्टडी स्टेट है दैट मीन्स एट एनी आर पे आप प्रेशर इसे फाइंड कर सकते हो टाइम का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो आपको बोला होगा कि आर डब्ल्यू क्या है पॉइंट फाइव है एंड पी की वैल्यू क्या है फाइव हंड्रेड पी एस आई है ओके okay, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है देन फाइंड आउट दी ए बी ठीक है वो इतना बोल सकते हैं कि फाइंड आउट दी ए बी ए बी की वैल्यू आप फाइंड करके दिखाओ और आपको बोला होगा आर ईज इक्वल टू थाउजेंड टाइम आरडब्लू या फिर आपको आर ई दे के रखेंगे एक कंडीशन आपको गिवन है ठीक है ये वाली फर्स्ट कंडीशन गिवन है दूसरा क्या गिवन है आर गिवन e है तो आपको उस टाइम पे बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है कि शुडो स्टडी सेट में क्या होता है आर इज इक्वल टू आर पे डी पी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा एट पॉइंट फाइव पे आपको प्रेशर दिया है दैट मीन्स इस तरह से आप लिख पाओगे यस yes, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ सेकंड इक्वेशन क्या होगा डी पी बाई डी आर फाइन करना होगा क्यों क्योंकि आपको पता है आर इज इक्वल टू आर पे प्रेशर क्या होता है जीरो होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा ए प्लस टू बी आर ओके और आर इज इक्वल टू क्या लोगे फाइव हंड्रेड फीट लोगे तो उस टाइम पे डी पी बाई डी आर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या जीरो ए प्लस टू बी इंटू फाइव हंड्रेड तो ये वाला सेकंड इक्वेशन यू हैव अ टू इक्वेशन यू हैव अ टू इक्वेशन यू हैव अ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन सो नाउ यू कैन फाइंड आउट दी ए बी नाव यू कैन फाइंड आउट दी ए बी आर यू एबल टू फाइंड आउट दी ए बी यस यू कैन फाइंड आउट दी ए बी वैल्यू ठीक है आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट में दिखने को दिख सकते हैं ठीक है थीके? ये वाले क्वेश्चन आपको गेट में दिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन ठीक है बाउंड्री कंडीशन पे सो यू हैव टू रिमेंबर दी और यू हैव टू अंडरस्टैंड दी बाउंड्री कंडीशन ओके इसके बाद अगर उसको एक्सटर्नल हेल्प मिल रहा है तो वो शुडो स्टडी सेट से स्टडी से स्टेट को अप्रोच करेगा और अगर नहीं मिलेगी बाउंड्री के बाहर से उसको मदद नहीं मिलेगी ठीक है एक बार बाउंड्री आ गई ठीक है एक बार बाउंड्री अचीव हो गई उसके बाद शुडो स्टडी स्टेट स्टार्ट हो जाएगा बाउंड्री अचीव होने के बाद शुडो स्टडी स्टेट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अगर उसको यहाँ से कुछ सपोर्ट मिल रहा है ठीक है वाटर एक्विफर या यहाँ से कोई सपोर्ट मिल रहा है तो ये वाला शुडो स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट में कन्वर्ट होगा ठीक है और अगर ये वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो स्टडी स्टेट अचीव नहीं होगा ठीक है ये सिंपल सी कहानी होती है बट अभी हम बात कर रहे हैं अनस्टडी स्टेट की किसकी ये मुझे अच्छा लगा बीच में कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया रिसेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टडी स्टेट कंडीशन स्टडी स्टेट कंडीशन तो मान लो यहाँ पे मुझे कहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है कहीं पे एट गिवन रेडियस r पे अभी मेरा शेडो अचीव नहीं हुआ है मेरा अनस्टडी स्टेट कंडीशन है और मुझे आर पे क्या करना है प्रेशर फाइंड करना है तो ये सीलिंग बाउंड्री है और बाउंड्री कंडीशन यानी कि डेल पी बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर ई पे क्या होता है जीरो होता है ये वाला ये वाली कंडीशन क्या करेगी मेरे इस वेल्थ well पे इफेक्ट डालेगी तो वो इस कंडीशन में मैं किस तरह से मेरा प्रेशर स्टेट के लिए एट अ डिस्टेंस आर पे ठीक है टोटल प्रेशर ड्रॉप कैसे फाइंड करूँ तो उसके लिए एक मेथड है वो मेथड आपको यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में ये वाले वेल well से आपको आर जहाँ पे बाउंड्री है ठीक है ये अपनी बाउंड्री है कुछ इस तरह से आर जितनी बाउंड्री है तो और आर डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे और आर डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे और आर डिस्टेंस पे आपको क्या करना है दूसरा एक इमेजनरी वेल ठीक है ये वाला वेल क्या है इमेजनरी वेल है ठीक है एक्चुअली में कोई वेल नहीं है बट आप मान रहे हो इमेजनरी वेल है ऐसा आपको एज्यूम करना है तो ये अगर इस तरह से प्रेशर चेंज दे रहा होगा तो ये भी यहाँ से कुछ इस तरह से प्रेशर चेंज दे रहा होगा और यहाँ पे बाउंड्री पे क्या हो रहा होगा डी पी बाय डी आर एक्वल टू जीरो हो रहा ठीक है थीक? इस तरह से डी पी बाय डी आर क्या हो रहा था इक्वल टू जीरो हो रहा होगा तो ये इमेजनरी वेल्थ को जब आप एज्यूम करोगे तो ये बाउंड्री की इफेक्ट क्या हो जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी क्या हो जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी ठीक है यहाँ पे एक बाउंड्री है ऐसा मैं सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस केस के लिए आपको क्या करना है ये टोटल हो गया टू आर ठीक है टोटल हो गया टू आर अब मैं ये हटा रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पे टोटल प्रेशर ड्रॉप किसके इक्वल होगा टोटल प्रेशर ड्रॉप एट वेल ये वन वेल well है तो एट वन इज इक्वल टू डेल पी एट आर एंड गिवन टाइम टी प्लस डेल पी एट टू आर एंड गिवन टाइम टी के इक्वल होगा ठीक है आपको क्या करना है आर डिस्टेंस पे जो प्रेशर ड्रॉप था ठीक है आर डिस्टेंस पे जो प्रेशर ड्रॉप था दैट यू हैव टू फाइंड उसमें क्या ऐड करना है उसमें ऐड करना है टू आर और टी जितना ठीक है टू आर जितने डिस्टेंस पे जो ये वेल से भी यहाँ पे इफेक्ट आएगा अगला वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा तो ये ऐड करना है ये किसके लिए ऐड करना है जब भी, भी अपना सीलिंग फोल्ट या बाउंड्री कंडीशन अचीव हो रही हो ठीक है तब ये वाली मेथड आपको यूज करनी है फिर यहाँ पे के एक्स क्या हो जाएगा एक्स वन बोल रहा हूँ इसको एक्स टू बोलूँगा ठीक है तो नाइन फोर एट फाइव म्यू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के टी और यहाँ पे हो जाएगा नाइन फोर एट फाइव सी टी मू टू आर का स्क्वायर ठीक है टू आर का स्क्वायर फोर आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाय के टी तो ये चांसेस है कि ग्रेटर देन जीरो पॉइंट वन आएगा और इसके चांसेस है लेस देन जीरो पॉइंट वन आएगा देन यू कैन यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ओके ई आई फंक्शन और यहाँ पर आप सॉरी जो भी फंक्शन है ठीक है आपको जो भी अच्छा लगे जो भी डेटा गिवन हो या फिर लॉग अप्रोक्सीमेशन जो भी आपको गिवन हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट दी सीलिंग फोल्ड बाउंड्री ये क्या है बाउंड्री वाली कंडीशन पे आपको एक इमेजनरी वेल लेना है तो ये आर डिस्टेंस पे आपको मेजर करना है और ये टू आर पे मेजर करना है तो टोटल तो 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 प्रेशर ड्रॉप एट वेल वन ठीक है इसमें कोई इश्यू नहीं है ठीक है सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी ठीक है जो क्यू रहेगा वो प्रोड्यूस होगा तो प्लस क्यू इंजेक्ट हो रहा होगा ठीक है यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे अगर हम यहाँ से क्यू जितना फ्लोरेट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो दैट इज द प्लस क्यू फॉर बोथ ये वा लेवल के लिए भी प्लस क्यू हो जाएगा और यहाँ से अगर हम इंजेक्ट कर रहे होंगे तो दैट इज दी माइनस क्यू तो यहाँ पे भी माइनस क्यू हो जाएगा तो दिस इज द सिंपल प्रोसीड्यर टू कैलकुलेट दी इफेक्ट ऑफ दी इमेजनरी बाउंड्री नेक्स्ट बात करते हैं हम ठीक है लास्ट थर्ड प्रिंसिपल एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पे ही पूरी कहानी है इस पे ही क्या है पूरी की पूरी कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है चलो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्लोरेट वेरियस फ्लोरेट इफेक्ट ऑफ वेरियस फ्लोरेट इफेक्ट ऑफ वेरियस फ्लोरेट वट डज इट मीन ठीक है इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है मान लो आपका ये वेल well है ठीक है ये वाला एक आपका वेल well है और व्हाट यू आर इंटरेस्ट टू फाइंड यहाँ पे आर डब्ल्यू एंड एनी टाइप टी पे आपको क्या फाइंड करना है यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड दी डेल पी ओके okay. उसके लिए आपने क्या किया यहाँ से t इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी वन तक ठीक है t इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी वन तक क्यू वन जितने फ्लो से प्रोड्यूस किया ठीक है उसके बाद टी वन से लेके टी टू तक क्यू टू रेट से प्रोड्यूस किया t इज इक्वल टू टी टू से लेके t इज इक्वल टू थ्री थ्री तक क्यू थ्री से प्रोड्यूस किया ठीक है आपने फ्लोरेट हर बार चेंज किया टाइम के साथ आपने क्या किया फ्लोरेट वेरी किया अब मान लो ये प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लस क्यू इंजेक्ट हो रहा है तो माइनस क्यू मान लो यहाँ पे आपने इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया था तो माइनस क्यू बट मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि सब वेल क्या हो रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ओके okay. तो क्या कंडीशन होगी चलो इसके लिए हम समझते हैं कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे जा रहा हूं और यहाँ पे मान लो ये वाला है अपना फ्लोरेट ठीक है और यहाँ पे क्या है अपना टाइम देखो ये नॉर्मल स्केल है ठीक है नॉर्मल स्केल है और उसके अकॉर्डिंग टू जो प्रेशर में चेंज आ रहा होगा दैट इज आई ऑल्सो प्लॉटिंग हेयर पी हीयर टी हीयर ओके सो मैंने क्या बोला यहाँ पे Q1 से प्रोड्यूस कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा मान लो जीरो से क्या स्टार्ट किया था क्यू वन से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था इस तरह से ये वाला फ्लोरेट है वो क्यू वन है कब तक टी वन तक तो और ये क्या हो जाएगा टी जीरो इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है जीरो नहीं भी हो सकता है तो टी जीरो ले रहा हूँ ठीक है उसके बाद क्या किया क्यू टू जितने रेट से प्रोड्यूस किया ठीक है प्रोड्यूस ही कर रहे हो जस्ट फ्लोरेट टाइम के साथ आप वेरी करवा रहे हो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टी टू पर क्या हो जाएगा Q2 जितना रेट हो जाएगा जो कम है ठीक है कम है ज्यादा है वो आप छोड़ दो Q3 पे आपने फिर से प्रोड्यूस किया तो मान लो ये वाला हो गया Q3 इस तरह से प्लॉट होगा ठीक है Q4 फोर भी है अगर मान लो T4 पे अगर आपका Q4 फोर भी है तो ये हो जाएगा Q4 ओके सो दिस इज नथिंग बट आपने इस तरह से कुछ अपने वेल के साथ हरकत की दूसरी चीज आप कुछ सोच रहे होंगे कि भैया ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ठीक है दैट मीन्स हमने डायरेक्टली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया ठीक है बट एक्चुअली में ये इस तरह से नहीं होता है ठीक है आप कैसे स्टार्ट करोगे मान लो ये इस तरह से अपना वेल well है ये अपना फॉर्मेशन है और यहाँ से आप फ्लूड को यहाँ से एंटर करवा रहे हो ठीक है तो ये Q1 पे डायरेक्टली मान लो ये T1 T0 टी इज इक्वल टू जीरो होता ठीक है T0 जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होता तो यहाँ से डायरेक्टली कैसे फ्लो स्टार्ट कर दिया तो आप नल चालू करते हो जहाँ से आपने पहले कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया ठीक है आपने टंकी से नल को कनेक्ट किया तो आप नल चालू करते हो क्या वो डायरेक्टली एक साथ ही आपको लेमिनार वाला फ्लो देना स्टार्ट कर देगा आपका नल पहले फ्लक्चुएट होगा छक 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 और उसके बाद क्या होगा प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो, तो दैट मीन्स ये वाली प्रोफाइल इस तरह से नहीं होती ये इस तरह से होती है इस तरह से आपको होनी होती है ठीक है इस तरह से क्यों क्यों इस तरह से होती है ये वाली प्रोफाइल इस तरह से क्यों होती है ना कि इस तरह से कॉन्स्टेंटली इनिशियल से ही इस तरह से इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता है थोड़ा बहुत फ्लूड ठीक है यहाँ से आपने फ्लूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया ये वाली आपकी केसिंग है मान लो तो यहाँ पे एन्यूलस में जो फ्लूड होगा ठीक है एन्यूलस में जो फ्लूड होगा एन्यूलस में कुछ आपका फ्लूड होगा पहले वो प्रोड्यूसड होगा ठीक है पहले क्या प्रोड्यूस होगा एनुलस में फ्लूड है वो वाला फ्लूड प्रोड्यूस होगा सेकंड थिंग ये वाली थिंग तो है ही जो एन्युलस में फ्लूड था वो वाला प्रोड्यूस होगा सेकंड थिंग कि यहाँ से ये कंप्रेस हुआ होगा ठीक है ये अपने रॉक कंप्रेस हुए होंगे जब एनुलस का फ्लूड प्रोड्यूस हो जाएगा पूरा का पूरा उसके बाद जब यहाँ से फ्लो आना स्टार्ट होगा ये वाला फ्लूड जब प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी अपनी जो अपना जो फॉर्मेशन है उसकी कुछ कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी चेंज होगी ठीक है प्रेशर कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियसली चेंज होगी तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा और क्यूँ क्या होगा इस तरह से पूरा का पूरा कांस्टेंट नहीं होके इस तरह से हरकत करेगा ठीक है यहाँ पे दो रीजन है ऐसी प्रोफाइल मिलने के पहले तो जीरो ही था इन सडनली आप क्यू वन नहीं ऑप्टेन कर पाओगे ठीक है ये इस तरह से ना ड्रॉ करूँ और मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ तो अच्छा रहेगा देखो ये इस तरह से ठीक है आप समझ लो ठीक है यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है ठीक है ये वाली लाइन यहाँ पे मिक्स कर दो ठीक है इस तरह से ये एक्चुअल प्रोफाइल है ठीक है ये वाली प्रोफाइल एक्चुअल प्रोफाइल है ठीक है मैंने जो पतली लाइन लगाई है वो एक्चुअल प्रोफाइल है ऐसा क्यों हो रहा है दो इफेक्ट की वजह से कौन कौन सी इफेक्ट वन इज दी ये वाला फ्लूड इनिशियली प्रोड्यूस्ड हो रहा है और अभी ये पाइप क्या था एम था ठीक है मैंने आपको क्या बोला टी इज इक्वल टू जीरो से ही हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पहले एम था तो ये फ्लूड यहाँ तक पहुँचेगा तो कुछ टाइम लगेगा ठीक है ये वाला एन्युलस वाला फ्लूड पहुँचेगा ऊपर तो टाइम लगाएगा सेम वे में यहाँ की कंप्रेसिबिलिटी की वजह से भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन आएगा तो हमें जो प्रेशर का रीडिंग मिलेगा ठीक है अब देखो जहाँ पे भी फ्लो प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है तो यहाँ से भीड़ कम हो रही है ठीक है यहाँ से भीड़ कम हो रही है तो प्रेशर क्या होगा रिड्यूस होगा ठीक है इनिशियल प्रेशर मान लो इतना था तो ये वाला फ्लोरेड क्यू वन वाले रेट से थोड़ा बहुत प्रेशर रिड्यूस होगा ठीक है तो ये वाला टाइम देखो आप ठीक है तो प्रेशर क्या होगा सॉरी प्रेशर रिड्यूस होगा उसके बाद फ्लोरेट हमने कम किया हमने क्या किया कम फ्लोरेट हमने कम किया तो क्या होगा ये वाला प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा क्या होगा इंक्रीज होगा बट इनिशियल तक तो नहीं पहुंच पाएगा ठीक है इनिशियल तक तो नहीं पहुंच पाएगा ये वाला इनिशियल है यहां तक टी टाइम पे मान लो ये यह यहाँ तक पहुँच रहा है ठीक है उसके बाद टी थ्री में जो फ्लोरेड था ठीक है प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया वो तो वेरी हाई है वेरी हाई है तो ये क्या होगा फिर से ज़्यादा कम होगा ठीक है इस तरह से फिर से कम होगा ठीक है जहाँ पे भी फ्लूड प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा जहाँ पे भी फ्लूड प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा वहाँ पे मान लो भीड़ कम हो रही होगी भीड़ कम हो रही होगी तो वहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा ये वाली चीज़ पूरे वेल टेस्टिंग में ध्यान रखना दूसरी चीज़ जहाँ पे इंजेक्ट हो रहा होगा ठीक है या फिर इंजेक्ट ना बोलूं इंजेक्ट ना बोलूं और मैं बोलूं कि जहां पे फ्लूड क्या हो रहा होगा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा प्रोड्यूस हो नहीं रहा है ठीक है फ्लो फ्लो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा तो उस टाइम पे प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इनिशियली आपने प्रोड्यूस किया फिर प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो फिर से प्रेशर क्या होगा इनिशियल प्रेशर आने की इक्विलिब्रियम में आने की ट्राई करेगा तो प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा ये दो सेंटेंसेस आपको याद रखने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेशर सबसे लोएस्ट वैल्यू देगा क्योंकि हाइएस्ट फ्लोरेट है देखो यहाँ पे और उसके बाद Q4 की वजह से क्या होगा फिर से ये वाला प्रेशर Q4 क्या है Q2 से ज्यादा है तो Q2 से ज्यादा प्रेशर मुझे शो करना चाहिए ठीक है तो ये अपने प्रेशर की प्रोफाइल हो गई ठीक है कुछ इस तरह से ये अपने प्रेशर की प्रोफाइल हो गई ठीक है ओके ये क्या हुई अपनी प्रोफाइल हुई कि इस तरह से अपना फ्लोरेट फ्लक्चुएट करवाएगा अपने प्रेशर को ठीक है ओके तो यहां पे अब हम बात करने वाले हैं। इस तरह से अगर हमारे वेल के साथ हरकत हो रही है ठीक है इस तरह से कुछ हरकतें हम करवा रहे हैं अब ये मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूं ठीक है दो वाली जो इफेक्ट बताई वो आपको याद रखनी है ठीक है उसका हम आगे सिग्निफिकेंट भी देखेंगे हमारे केस में ठीक है ये कुछ इस तरह से है ये प्रेशर की प्रोफाइल हमने ड्रॉ की है और अब ये मैं हटा रहा हूँ ठीक है सब कुछ ये कुछ काम का है नहीं क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी लिखने के लिए ऑब्बियसली बात है अब बात करते हैं लेट्स टॉक ऑन अगर कुछ इस तरह से अपना सिस्टम है कुछ इस तरह से अपना सिस्टम है तो ऐसे सिस्टम के लिए ठीक है ऐसे सिस्टम के लिए ओके इस तरह के सिस्टम के लिए अपना प्रिंसिपल क्या कहता है तो जो डेल पी टोटल निकालना है ऐसी सिस्टम के लिए जो डेल पी टोटल होगा तो वो प्रिंसिपल पहले प्रिंसिपल को मैं लिख रहा हूँ कि चेंज इन फ्लोरेट चेंज इन फ्लोरेट एट ईच स्टेज ओके ईच स्टेज पे जो अपना फ्लोरेट चेंज हो रहा है डज़ नॉट इफेक्ट डज़ नॉट इफेक्ट ऑन डेल पी टोटल ऑफ ईच अदर ये अच्छा सेंटेंस नहीं हुआ डज नॉट इफेक्ट ऑन डेल पी टोटल सॉरी ये वाली लाइन को मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखता हूं चेंज इन फ्लोरेटे एट स्टेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी प्रेशर रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रीवियस चेंज इन क्यू ये वाली लाइन है ये वाला अपना प्रिंसिपल है कि जो फ्लोरेट में चेंज हो रहा है ईच स्टेज में ठीक है आपका फ्लोरेट क्यू वन से क्यू टू क्यू थ्री ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट फ्लोरेट आपने यहाँ पर नोटेशन क्यू वन क्यू टू लगाए हैं उससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्यू नोट ले, ले लेते हैं ठीक है इनिशियल क्यू नोट ले, ले लेते हैं ठीक है यहाँ पे क्यू नोट ले लेते दे। हैं देखो मैं ओनली नोटेशन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बुक के हेल्प से ठीक है और कोई रीजन नहीं है इस तरह से तो इतने टाइम के लिए क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्यू नॉट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये प्रिंसिपल कुछ इस तरह से बोल रहा है कि प्रीवियस जो फ्लोरेट चेंज हुआ ठीक है यहाँ पे फ्लोरेट का चेंज कितना है देखो यहाँ पे इतना चेंज है ठीक है तो ये इंडिविजुअली प्रेशर ड्रॉप पे रिस्पॉन्स करवाएगा ठीक है इंडिविजुअली क्या करवाएगा प्रेशर ड्रॉप पे रिस्पॉन्स करवाएगा ठीक है और इसमें आगे एक लाइन है बट फ्लो रेट हैज़ इफेक्ट ओवर एंटायर टाइम लेंथ ऑफ प्रोडक्शन ये देखो इसी पे पूरे प्रिंसिपल का अपना वो है चलो मैं ये बढ़ा लेता हूँ तभी मजा आएगा मुझे इतना लाइट नहीं चलेगा ठीक है तो ये क्या बोल रहा है ये सेंटेंस क्या बोल रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि चेंज इन फ्लोरेट फ्लोरेट में जो चेंज हो रहा है ईच स्टेज के बाद ठीक है ईच स्टेज के बाद जो फ्लोरेट में चेंज आ रहा है दैट इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी प्रेशर रिस्पॉन्स फ्रॉम दी प्रीवियस चेंज इन क्यू यानी कि ये इस तरह से बोल रहा है कि ये क्यू वन हो रहा है ठीक है क्यू वन हमने क्यू नोट से क्या चेंज किया Q1 किया ठीक है तो ये चेंज है ठीक है ये चेंज है कितने का चेंज Q1 वन माइनस क्यू नॉट लिखूंगा ठीक है अब देखो ये फाइनल माइनस इनिशियली लिख रहा हूँ ठीक है फाइनल यानी कि Q1 वन माइनस क्यू नॉट माइनस इनिशियल ठीक है ये ये वाला जो हमने ये वाला जो हमारा चेंज था फ्लोरेट का ये जो हमारा चेंज था फ्लोरेट का सिमिलर वे में ये वाला जो चेंज था और थर्ड चेंज क्या किया हमने ये चेंज किया ये तीनों चेंज है ठीक है ये जो तीन चेंज किए ये तीन चेंज किए यहाँ पे फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज और थर्ड चेंज ये एक दूसरे से इच वन अनदर से ठीक है इच एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ठीक है ये डेल पी पे कुछ इफेक्ट डाल रहा होगा ये कुछ डेल पी पे इफेक्ट डाल रहा होगा और ये वाला डेल पी पे कुछ इफेक्ट कर रहा होगा ठीक है वन अन ईच अदर रिलेटेड नहीं है दैट मीन्स तीनों के तीनों इंडिविजुअली क्या करेंगे ये जो फ्लोरेट का चेंज है वो क्या करेगा डेल पी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा ठीक है डेल पी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा वन टू और थ्री ठीक है ये तीनों के तीनों ठीक है यहाँ पे फ्लोरइड का चेंज है दैट इज इंडिविजुअली इफेक्ट ऑन दी डेल पी ये फर्स्ट सेंटेंस था क्या था कि प्रेशर सॉरी ईच स्टेज पे फ्लोरेट चेंज होने की वजह से जो प्रेशर पे रिस्पांस मिल रहा है वो इंडिपेंडेंट है जो प्रीवियसली फ्लोरेट चेंज हुआ है क्या ऐसा दिख रहा है आपको इसका जो डेल पी है वो ये वाले डेल पी वन से इंडिपेंडेंट है यस yes, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ठीक है कोई रिलेशन नहीं है इंडिविजुअली जो हम फ्लोरेट चेंज कर रहे हैं जो हम फ्लोरेट चेंज कर रहे हैं वो इंडिविजुअली डेल पी पे इफेक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से मान लो डेल पी वन है इसकी वजह से जो डेल पी टू है वो इसकी वजह से डेल पी थ्री है और ये तीनों अपने आप पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे पर ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं टोटल डेल पी जनरेट कर रहे हैं ठीक है टोटल प्रेशर ड्रॉप जनरेट कर रहे हैं ठीक है और एक चीज आपको बता दूँ इसमें सेकंड लाइन पढ़ो अब ठीक है सेकंड लाइन कुछ इस तरह से है कि ये जो चेंज हो रहा है ठीक है फ्लोरेट में ये जो फ्लोरेट में चेंज हो रहा है ये फ्लोरेट की जो इफेक्ट है ये जो फ्लोरेट की जो इफेक्ट है वो एंटायर टाइम लेंथ पे होगी ठीक है बट फ्लोरेट हैज़ द इफेक्ट ऑन एंटायर टाइम लेंथ एंटायर टाइम लेंथ पे इफेक्ट इन दी सेंस ये जो चेंज है ठीक है क्यू वन से क्यू नॉट किया वो कहाँ पे किया टी वन माइनस टी टू पर किया ठीक है बट ये वाला जो डेल पी है वो कितने टाइम तक इफेक्टेड है ये वाला फ्लोरेट कितने टाइम तक एंटायर यानी कि ये टी फोर माइनस टी नाट कितने तक पूरे टाइम जहां से प्रीवियसली फ्लोरेट चेंज पे इफेक्टेड नहीं है ठीक है प्रीवियसली फ्लोरेट चेंज पे इफेक्टेड नहीं है बट इसकी इफेक्ट एंटायर टाइम लेस प्रोडक्शन जब तक हो रहा है वहां तक हो रही है दैट मीन्स ये वाला जो है क्यू वन माइनस क्यू टू वो पूरे एंटायर लेंथ की बात करूँ तो टी फोर माइनस टी वन जितने टाइम तक क्या कर रहा है इफेक्ट कर रहा है ठीक है दूसरी चीज बात करूँ नीचे लिख रहा हूँ ठीक है तो Q1 वन माइनस क्यू नोट का चेंज Q2 टू माइनस क्यू वन का चेंज Q3 थ्री माइनस क्यू टू का चेंज एंड ओके तीनों के तीनों आ गए ठीक है वन ओके okay, तो ये कहाँ तक इफेक्ट कर रहा है दिट इज इफेक्टिंग T4 फोर एंटायर प्रोडक्शन पे ठीक है T4 फोर माइनस टी नोट इतने टाइम तक इसकी इफेक्ट होगी इसकी इफेक्ट कहाँ तक T4 फोर माइनस टी वन और एक फ्लोरेट है क्या चार फ्लोरेट है वन वन माइनस टू ओके okay, यहाँ पे देखो यहाँ पे इनिशियल फ्लोरेट है और एक नोमन क्लेचर की मैं आपको बात कर रहा हूँ देखो इसमें नोमन क्लेचर में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है मान लो क्यू नॉट यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे फ्लोरेट क्या है जीरो है क्यू वन यानी कि ये वाला फ्लोरेट है वो वाला ये वाला क्यू टू होगा ये वाला क्यू थ्री होगा ये वाला क्यू फोर हो जाएगा ठीक है इस तरह से ठीक है कुछ इस तरह से हो जाएगा ठीक है क्यू वन इज इक्वल टू मान लो ये वाला फ्लोरेट आप कुछ भी वैल्यू लिख लो ये क्यू टू है ये क्यू थ्री और ये क्यू फोर है तो उसी के लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो और एक फ्लोरेट है वो वाला हो जाएगा क्यू फोर माइनस क्यू थ्री और एक फ्लोरेट आ जाएगा तो दिस इज द क्यू फोर माइनस टी थ्री देखो एंटायर प्रोडक्शन लेंथ पे टाइम देखो आप यहाँ पे टाइम एंटायर प्रोडक्शन टाइम पे क्या कर रहा है इफेक्ट कर रहा है कर रहा है यस yes. ये देखो पूरी एंटायर टी फोर माइनस टी नोट लिया टी फोर माइनस टी वन लिया टी फोर माइनस टी टू लिया टी फोर माइनस टी थ्री और हम इस फिगर में क्लियरली देख रहे हैं टी नोट क्या है आप इसमें देख सकते हो टी नोट इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज क्यू नोट इज इक्वल टू जीरो बट ये हर बार जरूरी नहीं है यहाँ पे है सो so, ये आपको क्लियर है यस yes. आपको क्लियर है तो आप डेल पी टोटल लिख पाओगे सो डेल पी टोटल इज इक्वल टू डेल पी ड्यू टू चेंज इन फ्लोरेट क्यू वन माइनस जीरो या फिर क्यू वन माइनस क्यू नॉट एंड टाइम कितना टी फोर माइनस टी नाट ओके यानी कि टी फोर माइनस यहाँ पे जीरो भी हो सकता है प्लस डेल पी क्यू टू माइनस क्यू वन एंड टी फोर माइनस टी वन यहाँ पे देखो यहाँ पे ओनली एंड ओनली प्रीवियस माइनस उसके आगे बढ़ टू माइनस वन करना है ठीक है यहाँ पे वन माइनस जीरो करना है ये याद रखना प्लस डेल पी क्यू थ्री माइनस क्यू टू एंड टी फोर माइनस टी टू प्लस डेल पी एट क्यू फोर माइनस क्यू थ्री प्लस एंड टी फोर माइनस टी थ्री देखो इसको चेंज मत करना अभी भी बोल रहा हूँ आपको जो फ्लोरेट लेना है ठीक है इस केस में आपको फ्लोरेट लेना है टी लेना है वही चेंज होगा आर डब्ल्यू पे ही आपको फाइन करना है ऐसा आपको बोल रहा हूँ आर डब्ल्यू पे ही आपको फाइन करना है बट आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे देखो क्यू माइनस जीरो लेना है यहाँ पे क्यू टू माइनस क्यू लेना है तो यहाँ पे क्यू क्या था ग्रेटर देन क्यू टू था तो क्यू टू माइनस क्यू वन ऑब्बियसली नेगेटिव आएगा ठीक है यहाँ पे क्यू टू माइनस क्यू वन की वैल्यू ऑब्वियसली आप जब वैल्यू पुट करोगे तो वो वैल्यू आपको नेगेटिव ही मिलेगी तो आपको नेगेटिव काउंट करनी है तो ये वाला जो प्लस था वो माइनस में जा सकता है ठीक है तो उस हिसाब से आपको देखना है अब इसका एग्जाम्पल आप देख लो इसका आप एग्जाम्पल बुक में देखो ये वाला देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया है ठीक है चलो मेरी मेहनत बच गई ठीक है ये वाला कौन सी फिगर के लिए है आप देखो यहाँ पे यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो यानी कि टी नॉट जीरो है और क्यू नॉट पी क्या है जीरो है यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है उसके बाद टी वन टाइम तक क्या कर रहे हैं क्यू वन से प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे क्यू टू से प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू थ्री से और यहाँ पे क्यू फोर से ठीक है अपना वाला ही है ठीक है तो देखो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे Q1 वन माइनस जीरो है ठीक है Q1 वन माइनस जीरो है यहाँ पे Q2 टू माइनस जीरो है और T4 फोर माइनस टी है एंटायर लेंथ लेनी है ठीक है कौन सी एंटायर टाइम की लेंथ एंटायर लेनी है और ये वाला तो चेंज इन फ्लोरेट इन गिवन टाइम ओके चेंज इन फ्लोरेट लेना है ठीक है Q2 टू बाई क्यू टू क्यू टू माइनस क्यू वन लेना है तब उसकी इफेक्ट तो उसके बाद जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस पर टोटल ठीक है यहाँ पे भी टी आप देख लो यहाँ पे और एक कहाँ होगा कहीं पे यहाँ पे देखो क्यू थ्री माइनस क्यू टू पे टाइम क्या लिया है उन्होंने टी फोर माइनस टी टू यानी कि ये इसके लिए इतना इसके लिए इतना इसके लिए इतना और इनिशियल के लिए इतना उसके बाद जितना भी इसके बाद जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो टोटल टाइम आपको काउंट करना है यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वन पॉइंट ट्वेंटी टू यू कैन do this way. so this is the important again. you can practice this one question is well enough to understand the concept. one question is well enough. okay. have you got? yes. obviously you have to got this. okay. अब next चीज़ आपको बता दूँ. next is ये वाले केस के लिए. ठीक है. ये वाला जो last केस था, ये वाले केस के लिए यहाँ पे यहाँ पे एक भाई साहब आए उन्होंने बोला कि इतनी लंबी प्रोसीड्यूर क्यों करनी है भाई इतना लंबा आपको जाना ही क्यों है भाई मैं बोलूँ आप मेरी मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ जैसे मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूँ उस हिसाब से उस भाई ने भी एक ट्रिक दी वो थे हॉनर साहेब कौन थे होनर साहेब आप ऑनर प्लॉट देखोगे जब टेस्ट चालू होगी तब तो हॉनर भाई आए हॉनर्स ने बोला ये वाले लास्ट केस के लिए कि जब क्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ जब क्यू को हम टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तब उन्होंने बोला कि इतनी लंबी कैलकुलेशन ठीक है चार चार प्रेशर ड्रॉप ठीक है गेट में तो ये थियोरेटिकली इक्वेशन आएगा इसमें से मुझे नहीं लगता कि चार चार प्रेशर ड्रॉप आपसे कैलकुलेट करवा के डेल पी टोटल पूछ लेगा ठीक है देखो कितना लंबा जाएगा ये वन कैलकुलेट करो टू कैलकुलेट करो वो तो आप वो वन करोगे तब आपका पंद्रह से बीस मिनट ये खा जाएगा तो so, वनर ने बोला ये सब मत करो आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो तो अब देखो उसने क्या बोला आपके पास चार टाइम है ठीक है टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट फ्लोरेट है ओके okay. तो so, वनर ने बताया कुछ आपके पास इस तरह से घटना हो रही है आपकी घटना कुछ इस तरह से है। आप टी वन टाइम तक क्यू वन से प्रोड्यूसन ले रहे थे टी टू माइनस टी वन पे क्यू टू से कुछ इस तरह से आप ले रहे हो तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन रेट आप मिलेगा आपको टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस इज इक्वल टू ठीक है आपको क्या करना है टोटल वॉल्यूम जो प्रोड्यूस्ड हुआ होगा दैट इज द क्यू वन प्लस क्यू टू ठीक है हाउ मच प्रोडक्शन हैपन्स तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ Q1 T1 जितना वन यहाँ पे Q2 T2 टी टू माइनस टी वन जीतना यहाँ पे Q3 T3 टी थ्री माइनस टी टू जीतना यहाँ पे Q4 T4 टी फोर माइनस टी थ्री जीतना यहाँ पे माइनस टी नोट आएगा बट मैं वो नहीं लिख रहा ठीक है ये टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस कितना हुआ होगा तो सम ऑफ दी दिस फोर ओके वन टू थ्री एंड फोर ये फोर ये चारों का सम जितना टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस इतना हुआ होगा क्या ऑब्वियसली बात है आप ये वाली फिगर देखो टोटल वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ होगा इतने वॉल्यूम से इतने टाइम तक प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो इसके अंडर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या देगा टोटल क्यूमुलिटी प्रोडक्शन देगा ठीक है आपको ये चीज़ तो पता है ना आपका रिजर्वा में ऐसे तो दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए आज तक ठीक है इसके ये टोटल आप इसके अंडर का एरिया फाइंड करोगे आप ये वाला एरिया फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा और दैट इज इक्वल टू ठीक है अब ये कांस्टेंट है ठीक है एक्सपोनेंशियन और वो सब नहीं है तो ये कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि Q1 वन इंटू टी वन माइनस टी जितना इस वाले क्षेत्रफल से इस वाले एरिया से हुआ होगा Q2 टू इंटू टी टू माइनस टी वन इस वाले एरिया से ठीक है तो उस हिसाब से मैंने आपको सिंपली टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस आपको लिख के दिया है फिर उसने क्या बोला उसने बोला कि जो Q4 है ठीक है Q4 है ये वाला क्या है इसको मान लो आप Q लास्ट ठीक है उसने क्या बोला आप इसको Q लास्ट मान लो ये वाला Q लास्ट और इसकी वैल्यू ठीक है ये वाला जो फ्लोरेट है ये वाला फ्लोरेट लार्जेस्ट होना चाहिए वेरी वेरी लार्जेस्ट ठीक है वेरी लार्ज होना चाहिए या फिर वेरी वेरी लार्जेस्ट होना चाहिए वेरी हाई होना चाहिए दैट मीन्स जो Q4 है इज इक्वल टू Q लास्ट बट कंडीशन उसने क्या रखी उसने ये बोला कि जो Q लास्ट होगा दैट इज़ वेरी वेरी हाई फ्रॉम दी Q1, Q2, Q3, ओके okay? जितने भी है ठीक है सबसे ज़्यादा जो लास्ट वाला फ्लोरेट है दैट वैल्यू मस्ट बी वेरी वेरी हाई उसने इस तरह से बोला तो क्यू लास्ट आपको मिल गया बट उसने कंडीशन क्या रखी ये वाली दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू एग्जीक्यूट दिस मेथड सेकंड थिंग टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस था ठीक है आपको पास फ्लोरेट है देन आर यू एबल टू फाइंड द टी लास्ट यस यू आर एबल टू फाइंड द टी लास्ट टी लास्ट नथिंग बट टोटल प्रोडक्शन इन बेरल डिवाइडेड बाय टोटल फ्लो सॉरी क्यू लास्ट ओके क्यू लास्ट दैट मस्ट बी इन बेरल पर हवर ओके यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना मुझे टाइम हवर में चाहिए अपने वेल टेस्टिंग के लिए ठीक है ये वाला आपको वेरी वेरी ध्यान रखना है ठीक है यहाँ पे बेरल पर हवर या फिर आप ऐसे बोलो टोटल प्रोडक्शन बेरल में ले रहे हो और यहाँ पे क्यू लास्ट ले रहे हो ठीक है ये क्यू टोटल क्यूमिटी प्रोडक्शन ले रहे हो ठीक है टोटल प्रोडक्शन लिख रहा हूँ ये वाला बैरल में है और ये वाला अगर आप बैरल पर डेमे दे, दे के रखा है ठीक है बैरल पर डेमे दे, दे के रखा है तो आपको पहले बैरल पर हवर में कन्वर्ट करके टाइम को हवर में फाइंड करना है ठीक है ये तो आपको आना चाहिए ठीक है उसके लिए कोई नया फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो आपको क्या ध्यान रखना है ये वाला हवर में लेना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी क्यू लास्ट था वो सारे ओवर फ्लोरेट है उससे वेरी वेरी हाई होना चाहिए ठीक है वेरी 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 हाई होना चाहिए और उस केस में आप टी लास्ट फाइन कर सकते हो और उसने सेकंड कंडीशन ये वाली डाल दी ठीक है सेकंड कंडीशन में उसने ऐसा बोला कि जो टी लास्ट है ठीक है टी लास्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी टी एनिंग ठीक है अदर टाइम यानी कि यहाँ पे टी वन रखो या फिर टी टू रखो या टी थ्री रखो ठीक है या टी फोर रखो ठीक है टी फोर रखो सो दिस टी लास्ट ठीक है जो हमने क्यू लास्ट से निकाला दैट टी लास्ट मस्ट बी ट्वाइस ऑफ दी यानी इतना बड़ा होना चाहिए ट्वाइस होना चाहिए दूसरे सारे टाइम के हिसाब से ठीक है और जो भी टाइम आपको दे के रखा है अदर स्टेज का जो भी टाइम है यानी कि यहाँ पे इस तरह से तो लिखना वैलिड नहीं होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा आई कैन से इतने टाइम तक हमने क्या किया था Q1 को प्रोड्यूस किया था इस तरह से ठीक है तो ये किसी भी टाइम से क्या होना चाहिए वेरी वेरी हाई होना चाहिए ट्वाइस होना चाहिए ठीक है ट्वाइस ऑफ दी टी लास्ट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू आप यहाँ पे कोई भी इस तरह से टाइम रखो तो अपना लास्ट वाला टाइम क्या होना चाहिए ट्वाइस ऑफ दी दैट प्रोडक्शन टाइम से ट्वाइस होना चाहिए अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है ठीक है अगर ये वाली कंडीशन क्यू लास्ट और टी लास्ट जो हमने फाइन किया टोटल प्रोडक्शन की हेल्प से ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसने बोल दिया कि जो डेल पी था ठीक है डेल पी जो टोटल हो रहा था आपको चार फ्लोरेट चार कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करना पड़ रहा था वो आप इजीली डेल पी एट आर डब्ल्यू एंड फॉर टी लास्ट कैलकुलेट करो और उसमें फ्लोरेट यूज़ कर लो क्यू लास्ट दैट मीन्स मान लो एक्स लेस देन पॉइंट जीरो वन आ रहा है तो वन सिक्सटी टू पॉइंट टू पॉइंट सिक्स इंटू क्यू लास्ट इंटू बी नोट इंटू म्यू डिवाइडेड बाई के इंटू टी लास्ट ओके इस तरह से आप फाइंड कर लो ठीक है इंटू लॉग वाला टर्म ठीक है और यहाँ पे भी टाइम कौन सा, करना कौन सा यूज करना है लास्ट वाला ठीक है आपको कौन सा वाला टाइम यूज करना है लास्ट वाला ओके सो दिस इज द मेथड टू फाइंड दी सॉल्यूशन ओके आपको क्यू कौन सा वाला यूज करना है क्यू आपको लास्ट रखना है टाइम भी आपको लास्ट वाला रखना है और आर डब्ल्यू पे बोला है तो आर इज इक्वल टू आर डब्ल्यू तो दिस इज द केस ओके यहाँ पे आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो लिखना चाहो तो यहाँ पे लॉग के टी लास्ट डिवाइडेड बाय फाइव सी टी म्यू आर डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस थ्री पॉइंट टू थ्री प्लस पॉइंट एट सेवन एस सो दिस इज दी फाइनल तो यहाँ पे क्यू लास्ट और टी लास्ट यूज करके आप एक ही स्टेप में टोटल डेल पी निकाल सकते हो सो दिस इज दी मेथड बट मस्ट बी टू कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज दी टी लास्ट क्यू लास्ट की कंडीशन है एंड टी लास्ट की कंडीशन मस्ट बी फुलफिल सो दिस इज दल अबाउट वट this is all about the your principle of the superpositions you can practice the question so thank you very much so i would like to stop here okay so this is all about the principle of the superposition and with this take with the next video what we will start we will start with uh, i can say well bore effect first of all we will cover and after uh, bore effect ok I guess wellbore effect we can yes we discuss the wellbore effect and after that we will move to throw down build up productivity and uh, after follow up for injectivity test ok this test we will get the information we will do one calculative sum or one I will give you the sum from this book and we will. एंड दी वेल टेस्ट सो थैंक यू वेरी मच इसके बाद अभी तो बहुत सारी कंटेंट बा, हमारा बाकी है इसमें वी कैन नॉट एंड बिकॉज गैस वेल टेस्ट भी हमें थोड़ा बहुत थियोरिटिकल देखना है बट ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसके बाद अब वेल बॉड इफेक्ट एंड देन मूव टू देश तो थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग मी थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय जिनेन्द्र